ये देखो भाई, ये गई अपनी क्रीम, अपनी पनीर की स्टफिंग। तो एक क्रीमी शाही पनीर, छोले का कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है भाई, भटूरा कितना फुला हुआ है अपना। ये उसके ऊपर से गया पनीर क्रश कर दिया। दाल मखनी ये देखो भाई, मतलब ठंडा रहता है एकदम, है ना। ये राजमा, अरे वाह कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। गर्मियों में पालक मिल रहा है आपको, और बताइए क्या चाहिए। ये हुए तो हेलो गाइस, आज हम आए हैं हरिनगर में, और हरिनगर में हम ट्राई करने वाले हैं, पीछे देखिए रामा दी हट्टी। एक टाइम होता था जब यहाँ पर विराट कोहली आकर खुद खाता था, मतलब अगर आपने वीडियो वगैरह देखी होगी विराट कोहली के इंटरव्यू में, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो राम दी हट्टी के ऊपर आते थे स्पेशल छोले कुलचे खाने। तो इनकी शॉप थी ना जो, वो पहले होती थी रजौरी गार्डन में, अब इन्होंने शिफ्ट कर दिया, 8-10 साल से आ गए हैं हरिनगर में आ गए हैं। जो आपने इंटरव्यू देखा था विराट कोहली का कि वो यहाँ पर आते थे रजौरी गार्डन में, ये सच बात है। जो तिलक नगर में है वो ये बोलते हैं कि वो फेक है। तो चलिए एक बार कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है इस बात में पता करते हैं एक बार अंदर जाके भैया से। हेलो भैया जी, कैसे हो? भैया ये बताओ, जो विराट कोहली यहाँ पर आते थे ये बात सच है झूठ है? सच बात है। कितने टाइम पहले आते थे वो आपको? ये 2003 की बात है। 2003 या 2002 में आपको? रेगुलर आते रहते थे, खेलने आते थे यहाँ। तो यहीं पर आते थे वो? रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन जी। तो मैंने सुना जो तिलक नगर में रामा नहीं, ये वो रामा है, ये राम जी नहीं है। उन्होंने राम जी बोला है, उन्होंने राम रामा नहीं बोला, राम जी रजौरी गार्डन बोला। तो देख रहे हो गाइस, जो रामा था ना, जो रामा था वो फेक बता रहे हैं भैया, जो असली थी वो ये वाली है। इनकी पहले रजौरी गार्डन नहीं थी, राम दी हट्टी। तो भैया जो असली शॉप थी मतलब वो यही वाली है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, कितना टाइम होगा भाई शॉप को यहाँ पर? मेरी यहाँ पे शॉप को 14 साल हो गए सर। यहाँ पर 14 साल हो गए? हाँ जी। और जो रजौरी गार्डन में थी वो? वहाँ मेरी 7 साल रही है, 1998 से लेके 2003-04 तक। अच्छा, 1998 से लेके 3-04 तक गई, मतलब जब तक विराट कोहली जी आते रहे तब तक ही रही थी वो। फिर अनऑथराइज बनी हुई थी सर, वो पूरी की पूरी लाइन साफ हो गई। अच्छा अच्छा, तो भैया ये बताइए जो ये शॉप खुली यहाँ पर कभी आए विराट कोहली? यहाँ अभी नहीं आए। अच्छा, यहाँ पर नहीं आए, मतलब मौका मिलेगा तो आएंगे जरूर, है ना? उन्होंने बोला भी है कि मौका मिलेगा तो मैं जरूर राम जी हट्टी पे दोबारा जाऊंगा। अरे वाह वाह। और एड्रेस बताइए भाई आपका यहाँ पर, प्रॉपर एड्रेस क्या है? ये अपना हरिनगर पड़ता है, स्वर्ग आश्रम रोड, MIG फ्लैट, वाटिका अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने। अरे वाह। तो भैया एड्रेस आपने सुन लिया होगा, अगर किसी को आना हो तो यहाँ पे विजिट कर सकता है। टाइमिंग कितनी होगी भैया की? सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, उसके बाद रात को 12 बजे तक। रात को 12 बजे तक, मतलब रात का अरेंज अलग है। और यहाँ पे ये देखिए, ये हो रहे अपने भटूरे तैयार। ये जो जा रही है ना, ये पनीर की स्टफिंग है। भैया ये क्या है, बटर है रिफाइंड है? रिफाइंड है। रिफाइंड में है ये, यहाँ पे रिफाइंड है। और ये अपनी पनीर की स्टफिंग, ये देखो ये पनीर कितना जा रहा है, क्या बात है। पनीर वाले छोले भटूरे जो एक टाइम पे विराट कोहली जी खाते थे, ये देखो भाई छोले का कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और भैया ने इसके अंदर बताया कि अगर आना हो तो थोड़ा सा जल्दी आएँ, क्योंकि अभी टाइम हो रखा है 3 बजे का, और यहाँ पर जो सामान वगैरह आता है वो ख़त्म हो जाता है 12:30-1 बजे तक, है ना भैया? 3 बजे तक। 3 बजे तक रहता है। अभी देखिए सारा सामान ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, आज हमारे में थोड़ा सा लेट हो गए। ये देखिए गर्मा गर्म तेल में एकदम खोलते हुए, ये गया एक भटूरा, और ये आ रहा है दूसरा। ये देखिए रामा दी हट्टी स्पेशल, ये वही वाली शॉप है जिसपे विराट कोहली आके एक टाइम पे खाते थे, जिसमें अपना उन्होंने इंटरव्यू में भी जिक्र भी किया है। ये देखो भाई भटूरा कितना फुला हुआ है अपना, ये देखो उसके ऊपर तेल गया गरम गरम। उसके बाद जो भटूरे का कलर आता है ना वो अलग ही लेवल का होता है, ये देखो। ओए होए होए होए, यहाँ पे ये भैया अपने भटूरे कर रहे हैं तैयार, क्या बात है। ये देखो हल्का सा तेल इसके ऊपर गया और ये पूरा फूल गया, ये देखो क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन, क्या बात है। और ये हो गया अपना भटूरा तैयार। ये देखो भाई, ये गई अपनी क्रीम, क्या बात है भैया। कौन कौन से एक बार नाम बताना इनके? ये है आपका दाल मखनी। दाल मखनी जी। ये देखो भाई कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, क्या बात है। और ये वाली? यस आपका शाही पनीर। शाही पनीर, और वाह ये देखो भाई क्रीमी शाही पनीर, कितना बढ़िया लग रहा है, वाह। और ये है अपना रायता, धनिया वनिया डाल के बर्फ़ वगैरह का, मतलब ठंडा रायता एकदम, है ना, क्या बात है। और ये क्या भैया? ये आपका है दाल फ्राई। दाल फ्राई, ये देखो भाई ये है दाल फ्राई, एकदम अच्छे से चला के दिखाओ भैया। अरे वाह। और ये वाली भैया? ये राजमा। ये है राजमा। और ये देखिए ये अपनी ग्रीन चटनी, साथ में प्याज, और ये है अचार। ये उसके ऊपर से गया पनीर क्रश कर दिया, वही वाह।
लेकिन हाइजीनिक का कितना ध्यान रखा गया, मतलब एकदम जो देख रहे हो ना आप लोग साफ सुथरा है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर गंदगी वगैरह हो। कोई बात, कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पनीर ऊपर से दाल मखनी, और ये क्या गया है अदरक, अदरक, अरे वाह। ये देखिए जिंजर भाई, यहाँ पर आ गया अपना शाही पनीर, दाल राजमा, मतलब चारों में से कोई भी आप दो चीज़ें ले सकते हैं और रायता आपको मिलेगा। राजमा है, शाही पनीर है, कढ़ाई भी है, चाप। अरे वाह, चाप भी है भैया? चाप भी है, दाल मखनी भी है, शाही पनीर भी है, कढ़ाई पनीर भी है, इसमें से चार में से सब्जी में से कोई सभी सब्जी। अरे वाह, मतलब चार चीज़ों में से दो चीज़ें मिलेंगी आपको और साथ में रायता मिलेगा, प्याज वगैरह ये सब है ही। सब्जियाँ देखिए भैया, सब्जियाँ यहाँ पर कम नहीं हुई है, यहाँ पर ये मिल रही आपको चाप। अरे वाह, कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, वाह भाई वाह। और ये क्या भैया, पालक? ये पालक। अरे वाह, गर्मियों में पालक मिल रहा है आपको, और बताइए क्या चाहिए। और ये क्या भैया? कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर, अरे वाह, वैरायटी काफ़ी सारी है मतलब आपके पास, क्या बात है। और यहाँ पे चावल, हम थोड़ा लेट हो गए थे इसलिए मतलब चीज़ें ज़्यादातर ख़त्म ही हो रही हैं, मतलब टाइम अभी ऑलमोस्ट हो रखा है 4:30 के करीब। तो ये देखिए भाई, ये यहाँ पर लग रहे हैं अपने नान, और ये लगा रहे हैं भैया। भैया क्या नाम आपका? देवानंद। देवानंद, तो भैया कितने टाइम से यहाँ पर काम करें आप? 15-16 क्या? 15-16 साल से। बात है, ये इसके अंदर लगाया अंदर से बटर। ये क्या है भैया? ये गोभी वाले। ये गोभी वाले हैं। अच्छा, इसके अंदर मिक्स क्या क्या होता है गोभी में, मसाले वगैरह? मसाले होते हैं, मतलब सीक्रेट मसाले हैं। अच्छा चलो, ये देखिए भाई, ये अपना लग रहा है गोभी वाला नान। यहाँ पे ये देखिए, ये किसी और के निकल रहे हैं। ये अंदर कौन से गोभी वाले हैं? ये भी पनीर वाले। अच्छा, ये पनीर वाले हैं। ये हुए क्रश। ये इसके ऊपर से काजू डाल रहे हो भैया? हाँ जी, मतलब देख रहे हो भाई, नान के ऊपर काजू भी आ रही है, मतलब 160 रुपये में काफ़ी अच्छा प्राइस है जिसमें आपको इतनी बढ़िया क्वालिटी मिल रही है। तो देखिए भाई, यहाँ पर इनसे बात करते हैं भैया से, मतलब यहाँ का रिव्यू वगैरह कैसा है। तो हेलो सर, कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पे? सर, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। और आप लोग सर? फर्स्ट टाइम आपको बाहर से रिव्यू मिला था। अच्छा अच्छा, बाहर से रिव्यू मिला था तब आया आप यहाँ पर। तो सर, आपको खाना वगैरह कैसा लगा यहाँ पर? खाना काफ़ी टेस्टी है, जैसा हमने रिव्यू में सुना था। अच्छा अच्छा, रिव्यू मिला था तब आप यहाँ पर आए हैं। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, सर्विस भी अच्छी है। सर्विस अच्छी, एक्सपीरियंस अच्छा है। तो सर, अगर रेटिंग की बात करें तो कितने देंगे आप 10 में से? 8 10 में से 8। सर आपका? 8। तो भाई, यहाँ पर ये हो गए अपने छोले भटूरे रेडी। यहाँ पर मिले छोले, साथ में मिले प्याज, और ये मिली है ग्रीन चटनी, साथ में मिला अचार और 2 भटूरे, और ये हमने यहाँ पर लिया कुल्लड़ वाली लस्सी। लस्सी का साइज़ देखिए कितना बड़ा है, इसका प्राइस है 70 रुपीज़। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। और ये अंदर से मिले पनीर की स्टफिंग, ठीक है, ये मिला पनीर, साथ में मतलब विराट कोहली ने जो तारीफ करी थी ना, वो बढ़िया थी। छोले मेरे को बढ़िया लगे, काफ़ी सॉफ्ट हैं। लस्सी कलर देख रही है सर, लस्सी वो बढ़िया है, और ये मीठी लस्सी गुलाब में पिस्ता है और मीठी लस्सी साथ में। 10 में से 9 नंबर। और भाई, ये इनका सीटिंग का क्राउड देख लीजिए, ऊपर की सीटिंग है कितनी है यहाँ पर, मतलब ये ऊपर की सीटिंग है और नीचे की भी सीटिंग कर रखी है। और यहाँ पर ये जो हमारा भाई है, ये लगा हुआ है खाने में, और ये अपने छोले भटूरे, साथ में मिली है मीठी लस्सी, और तो क्या बात है, टेस्ट इसका वाकई बढ़िया है। खा के बताए एक बार कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। रेटिंग कितनी देगा इसमें से? 10 में से 10। चलो भाई के 10 में से 10 आए, मेरे थे 10 में से 9। सर, कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पर? 3 मंथ्स हो गए। 3 मंथ्स हो गए। और टेस्ट वगैरह कैसा लगा आपको यहाँ पर? बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा अच्छा, मतलब एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा अभी तक का? डाइनिंग भी अच्छी है एंड टेस्ट ओके ओके। और अगर रेटिंग की बात करते सर, कितनी होगी 10 में से? 8 10 में 8 सर आपका, दोनों का 8। चलिए ठीक है सर, थैंक यू।